टीकमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली ऑयल बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है लंबे समय से ब्रांडेड कंपनी की स्टिकर लगाकर ऑयल बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए मौके से नकली ऑयल से भरे कंटेनर और स्टिकर बरामद किए हैं। टीकमगढ़ में विभिन्न कंपनियों के नकली स्टिकर लगाकर दुकानदारों को बेचे जा रहे थे। मौके से पुलिस ने कैस्ट्रॉल, हीरो, लीप कंपनी के नकली स्टिकर जब्त किए। दुकानदार वही डब्बे ग्राहकों को असली ऑयल बताकर महंगे दामों पर बेच रहे थे, जिसके कारण लगातार गाड़ियां खराब होने की शिकायत मिल रही थी। नकली ऑयल की सूचना मिलने पर पुलिस ने कई इलाकों में छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में नकली ऑयल से भरे ड्रम, कंटेनर, पैकिंग का सामान, स्टिकर, खाली बारदाना बरामद किया। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी ओम अग्रवाल के साथ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा मुख्य आरोपी राजेश नामदेव पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसपी प्रशांत खरे ने बताया कि इस काले कारनामे की जानकारियां और शिकायतें लंबे समय से आ रही थी और उसी को देखते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें लाखों रुपए का नकली ऑयल जब्त किया गया है। ये सूचना, कुछ शिकायतें मुझे पहले से मिल रही थी कुछ समय से, लेकिन आईजी सर भी आए थे, उन्होंने भी मीटिंग ली थी रात को इस संबंध में। उन्होंने निर्देशित किया था कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए और टीमें वगैरह बना के, तो हमने यहाँ सवेरे छापा डलवाया है और इसमें बड़ी मात्रा में ये नकली ऑयल बनाने का ये कार्य यहाँ हो रहा था। सबसे पहले तो राजेश नामदेव के घर पर ये गए थे और वहाँ पर इनको काफ़ी मात्रा में ये उपकरण वगैरह, इनके पूरे कटर और तमाम रंग जो उसमें मिलाते थे, वो पुराना ऑयल जो यूज़ करते रहे थे, और इस प्रकार से उसको बढ़िया तरीके से पैक करके बिल्कुल हूबहू मिला के उसको बेचते थे और सप्लाई कर देते थे। तो ये नकली ऑयल जो था, इसका एक ये मिला। उसके बाद और दूसरी खबर आई थी पहले से हमारे पास, तो दूसरी जगह भी ये ओम अग्रवाल बताया गया है, यहाँ के ओम अग्रवाल हैं, उनके यहाँ हुआ है ये। और एक और नाम आया है इसमें, रूपेश अग्रवाल। यहाँ भी छापामार कार्रवाई हुई है सभी जगहों की। अभी FIR नहीं हुई है, कार्रवाई चल रही है। पहले काउंटिंग करेंगे इसका पूरा, किस प्रकार का मटेरियल, मतलब खाली ड्रम है, भरे हुए ड्रम है, ऑयल उसमें है, और इसके अलावा गत्ते के डब्बे जो पैकिंग वगैरह करते थे, और कटर, तमाम किस्म का जो सामान जिस प्रकार से ये नकली कारोबार कर रहे थे, इसमें ये कार्रवाई करके अभी FIR इसकी की जा रही है, कार्रवाई चल रही है और इनकी पूरा टोटल कर लिया जाएगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।